हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पिछले टू वीडियोस में हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक और मेथड है हमारे पास प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ठीक है, पहले हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, उसके बाद हम एपोमिक्सिस की बात करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? एक्सेप्ट सीड, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, मेनली रूट, स्टेम एंड लीव्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब हम सीड से नया प्लांट डेवलप करते हैं तो वो हमारे पास प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बिकॉज सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, वहां पे हम देखने वाले हैं किस तरह से सीड का प्रोडक्शन प्लांट में होता है और सीड से हम कैसे नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीड के अलावा रूट, स्टेम एंड लीव्स से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। This is mainly of two types, that is natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. Two types का है, natural and artificial. Natural vegetative propagation में क्या होता है, naturally जो plant के vegetative parts हैं वो अपने आप नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं, इसे हमें मैन्युअली करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आर्टिफिशियल जो होता है, आपको पता है आर्टिफिशियल मींस मैनुअल, जहां पे मैन मेड होता है, ह्यूमन बीइंग खुद अपने हिसाब से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने वाले हैं, उसके डिफरेंट मैथड्स जो है। ठीक है, firstly natural vegetative propagation by stem, natural vegetative propagation by stem, you all know that stem is modified in different plants। ठीक है, बहुत सारे plants में stem अलग अलग structure form करता है modify होकर। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन स्टेम के देखने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज स्टोलोन। नहीं, पहले हम देखते हैं रनर्स के बारे में, स्टोलोन बाद में। फर्स्टली द रनर्स। रनर्स में बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं एक जो हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है, इसके स्टेम पे यहाँ पे काफी सारे नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेम अपने आप कहीं से भी, किसी भी नोड वाले एरिया से ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और जहां जहां से इस स्टेम का नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसमें ग्रोथ होती है, और जहां जहां ये इसके कांटेक्ट में आएगा वहां वहां पे नए प्लांट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय रनर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो स्टेम था वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, और जहां से उसके नोड सॉइल के कॉन्टेक्ट में आते हैं वहां वहां से इसमें नए प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है दूब ग्रास, साइनोडॉन। ठीक है, साइनोडॉन मींस क्या है, दूब ग्रास, जो गार्डन ग्रास हम उगाते हैं, ये ग्रास जो होती है ये बेसिकली रनर्स के फॉर्म में होती है। इसके अलावा आपने मिंट देखा है,
ठीक है, जो पुदीना होता है उस पुदीना में भी हमें रनर्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी एक लंबा सा स्टेम बाहर निकलता हुआ दिखता है सॉइल या ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल, और नोड्स वाले हिस्से से उसमें अपने आप नई रूट्स और नई लीव्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो नए प्लांट्स हमारे पास बन जाते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रनर्स। सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट्स भी एक टाइप के रनर्स ही है, बट ऑफसेट्स आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट में रनर्स हैं। इसमें क्या होता है, वाटर लेयर के हॉरिजॉन्टली हमारे पास प्लांट का स्टेम ग्रो करता है। आपको पता है एक्वेटिक प्लांट के स्टेम, लीफ, रूट सब कुछ कैसा होता है, होलो। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट वाटर पे फ्लोट करता है, और फ्लोट करने के लिए उसे एकदम कैविटी, अंदर एयर भरी हुई होनी चाहिए, वेट एकदम कम होना चाहिए, तो वहां पे बहुत सारे एरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। और ये प्लांट की रूट है हमारे पास, ये भी स्वोलन रूट्स होती है, स्टेम भी स्वोलन होता है, और जो यहाँ पर लीव्स डेवलप हो रही है ये भी स्वोलन होती है। यहां से जो हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ऑफसेट, इट इज ऑल्सो स्वोलन। ठीक है, फिर यहां से ये नोड फिर से उस वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, और यहां पर फिर से डेवलपमेंट होता है रूट्स का, और ये स्टेम यहां से फिर से हमारे पास लीफ बन जाती है, यहां से फिर से ये स्वोलन हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर आगे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, रनर्स जैसा ही है, लेकिन रनर्स और ऑफसेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। रनर्स में होता है काफी सारे इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो रनर हमारे पास बनता है इसमें कई सारे इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफसेट्स के अंदर एक ही इंटरनोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो नोड के बीच का जो हिस्सा है इट इज द इंटरनोड। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही इंटरनोड प्रेजेंट होता है, और जब प्लांट ग्रो कर जाता है तो ये इस इंटरनोड वाले हिस्से से डिटैच हो जाता है और इंडिविजुअली अपना अलग ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑफसेट्स देखने को मिलते हैं किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक्वेटिक प्लांट का, दैट इज वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ हमारे पास इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट ये स्टेम के ही मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप का स्टेम है हमारे पास, और स्टेम से ही हम नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स आर द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो हमें ग्राउंड के नीचे की साइड देखने को मिलते हैं, और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास है पटेटो। ठीक है, इस तरह से पटेटो हमारे पास होता है, इसकी सरफेस पे कई सारे इस तरह के नॉच हमें दिखते हैं, दीज नॉचेस आर द नोड्स ऑफ द स्टेम। आपको पता है स्टेम पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और नोड वाले एरिया से ही ग्रोथ स्टार्ट होती है, लीव्स भी वहीं से ग्रो करती है और रूट्स की ग्रोथ भी होती है, तो नोड वाले एरिया से ही होती है। तो यहाँ पर ये जो ट्यूबर है पोटैटो ट्यूबर, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है कौन, नोड्स। तो ये स्टेम के नोड्स हैं, बिकॉज पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम। यहाँ पर ये नोड वाले हिस्से से ही आप देखते हो जब इनका ग्रोइंग सीजन आता है उस टाइम पर इस जगह से अपने आप एक येलोइश स्ट्रक्चर बनता है, और उस येलोइश स्ट्रक्चर से हमें नई अलग अलग लीव्स देखने को मिलती है। इनको हम आईज ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो। और इनको जब हम कट करके या इस पोटैटो को जब सॉइल में उगा देते हैं, तो यहाँ से काफी सारे, कई सारे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ट्यूबर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है राइजोम। इट इज आल्सो द अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम्स भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर टर्मरिक किसके एग्जांपल है, राइजोम्स का। इसमें क्या होता है, इस तरह से हमारे पास स्टेम है, इस तरह से,
अलग अलग शेप में हमारे पास ये स्टेम रहता है और इसमें हमें इस तरह से लाइनिंग्स देखने को मिलती है। दीज लाइनिंग्स आर द नोड्स ऑफ द स्टेम। ये भी अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है, सॉइल के अंदर रहता है और यहां से हमारे पास नई लीव्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, ठीक है। और बल्ब का भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम डेली अपने घर में यूज भी करते हैं, दैट इज अनियन बल्ब एंड गार्लिक्स। इसमें आप देखते हो स्टेम इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ठीक है, फूड स्टोरेज डिस्क के फॉर्म में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है और जब उन डिस्क को हम ग्रो कर देते हैं तो हमारे पास नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो बल्ब से भी नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कोलोकेसिया, ठीक है, कोलोकेसिया जिसे हम कहते हैं गांठ गोभी, है ना, ये एक कैबेज का ही टाइप है हमारे पास, वाइल्ड कैबेज टाइप्स होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी हमें ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, और इसके ऊपर भी हमें इस तरह से नोड्स देखने को मिलते हैं और इन नोड्स वाले एरिया से क्या होता है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉम। नेक्स्ट टाइप इज सकर, ठीक है, सकर्स, और एक हम देख लेते हैं स्टोलोन्स, ठीक है। और पहले जो हमने सबसे पहले देखा था रनर, तीनों को हम कंपैरेटिव एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तीनों में क्या होता है, सकर्स जो होते हैं इसमें भी स्टेम हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड के अंदर, ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास, रनर्स में इस ग्राउंड लेवल के हॉरिजॉन्टल स्टेम मूव कर रहा था, यहां पे क्या होता है, ये ग्राउंड के नीचे बिलो द ग्राउंड इस तरह से हमारे पास स्टेम की ग्रोथ होती है, बिलो द ग्राउंड। और स्टोलोन्स में क्या होता है, स्टेम की ग्रोथ होती है अबव द ग्राउंड, ठीक है। सकर्स का हमारे पास एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम कहते हैं गुलदाउदी, उसमें भी हमारे पास इसी तरह की ग्रोथ होती है सकर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोलोन। स्टोलोन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो स्टेम होता है इट इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टोलोन, और रनर्स का हमने देख लिया था दूब ग्रास, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, और आप देख रहे हो कि स्टेम से नेचुरली हमारे पास नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। सेकेंड हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, ठीक है, नेचुरल भी चल रहा है अभी हमारे पास, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, ठीक है। रूट्स के थ्रू जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं या नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इकॉर्निया, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये जो इकॉर्निया है ये किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लाया गया था ना, होपफुली शायद ब्राजील से हमारे कंट्री में लाया गया है। इसकी लीव्स बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो इन ब्यूटीफुल लीव्स के लिए इसे हमारे कंट्री के जो वाटर बॉडीज है वहां पे लाकर ग्रो किया गया था, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना सूटेबल है इस प्लांट के लिए कि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और वाटर बॉडी की पूरी सरफेस को ये कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। इसके अंदर रूट से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड होती है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इस तरह से इसमें रूट्स जो होती है ये रूट्स बहुत तेजी से ग्रो करती है और इस तरह से इसमें नए प्लांट्स का डेवलपमेंट लगातार होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। और एक कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट इज स्वीट पोटैटो। पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।
सेम एंड स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है ना. स्वीट पोटैटो द बॉटनिकल नेम इज आइकोमिया बटाटास. ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है. और स्वीट पोटैटो के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, रूट से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड इसके अंदर होती है. ठीक है, तो नए प्लांट्स का डेवलपमेंट रूट से हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेल नोन एग्जाम्पल्स इसके हमारे पास है काफी सारे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स. ठीक है, मेनली हमें देखने को मिलता है ब्रायोफिलम, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये. इसके अलावा बिगोनिया में भी हमें ये देखने को मिल सकता है. और एक ब्यूटीफुल फ्लॉरिंग प्लांट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज कैलेंचियो. इसमें भी हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है. इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है दे आर फ्लैशी, थिक और फ्लैशी लीव ना. इनकी लीव्स किस तरह से होती है, इस तरह से थिक होती है और फ्लैशी होती है. यहां पर जो ये नॉचेस प्रेजेंट है, दीज आर द नोड पार्ट ऑफ दिस लीव. जब ये प्लांट ग्रो करता है, जब लीव्स इसकी मैच्योर हो जाती है, तो इन नोड वाले हिस्सों से ही रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. और यहां पर हमें छोटी इसकी लीव्स की ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है. जितने नोड्स उतने प्लांट्स इसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब ये लीफ प्लांट से फॉल ऑफ होके सॉइल पे आके गिरती है, ग्राउंड पे आती है, तो वहां से इसमें नए उतने ही प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एक ही लीव से काफी सारे प्लांट्स हम डेवलप कर पा रहे हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये ब्रायोफिलम की लीफ है. कैलेंचो की लीव्स भी कुछ इसी शेप की होती है और बिगोनिया की लीफ भी इसी तरह की फ्लैशी और थिक होती है. तो इनमें हम लीफ से नया प्लांट अपने आप डेवलप हो जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारे पास कुछ मेथड्स थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. ठीक है, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक आप पिछले जो वीडियोज हैं उनको कंटिन्यूसली वॉच करिए. और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने प्लांट में आज पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट स्टेम एंड लीव्स, इनको आप अच्छे से देखते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.